प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी यांनी महिला आरक्षण विधेयक हे लोकसभेमध्ये मांडलेलं आहे। या विधेयकामुळे लोकसभेमध्ये आणि विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण मिळत आहे। अनेक वर्षापासून हा प्रयत्न होता, अनेक सरकारांनी त्या संदर्भात आश्वासनही दिली, परंतु ते होऊ शकलं नाही। मात्र महिलांचं पार्टिसिपेशन वाढलं पाहिजे, लोकशाहीमध्ये महिलांना वाव मिळाला पाहिजे, या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने आज माननीय मोदीजींनी जो काही हा निर्णय केलेला आहे त्याचं आम्ही स्वागत करतो। माननीय पंतप्रधान मोदी साहेबांचे आम्ही आभार मानतो की त्यांनी हे बिल इंट्रोड्यूस केलं, आणि आम्हाला अपेक्षा आहे की सर्वानुमते कोणी याच्यामध्ये अडथळा आणणार नाही, सगळे या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा देतील आणि भारताच्या संसदेत आणि विविध राज्यांच्या विधानसभेत महिलांना निश्चितपणे रिझर्वेशन मिळेल। सर, आज वाला उशीर आला तर लावू दे का? हो, आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में यह बिल पास होगा और हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।